दोस्तों, हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, एक ऐसा शहर हो जहां पे वो बहुत ही ऐशो आराम से जी सके, अच्छा माहौल हो। लेकिन सबका यह सपना पूरा नहीं होता। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं, एक ऐसे शहर के बारे में जहां के लोग ये सपना देखते नहीं, ये सपना जीते हैं। एक ऐसा शहर जहां हर कोई चाहता है रहना। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस देश में, ऐसा क्या है इस शहर में, और ये कौन सा देश है जहां लोग बड़े ऐसो आराम से जी रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कौन सा देश है और ऐसी क्या बातें हैं जो यहां लोगों को ऐशो आराम से जीने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और इस घंटे का बटन दबाओ ताकि आप आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं जानना इस देश के बारे में। और ये देश है दुबई। दुबई पूरी दुनिया में बहुत ही माना जाने वाला शहर है। ये शहर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। आज हम बात करेंगे दुबई की 5 ऐसी जानकारी, ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही आपको पता होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां की जनसंख्या के बारे में। यहां सिर्फ 20% लोग ही गरीब है। लेकिन रुकिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये गरीब वो लोग हैं जिनके पास शायद ही खाने को भी होते हैं, तो यहां पर आप गलत हैं। ये 20% लोग गरीब सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि दुबई की जो औसतन सैलरी है, उस औसतन सैलरी से इन 20% लोगों की सैलरी कम है, इसलिए ये वहां के गरीब लोगों की लिस्ट में आते हैं। लेकिन ये 20% लोग कई देशों के अमीर लोगों से भी ज्यादा अमीर है। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्ट्स की। जैसा कि आप जानते हैं, दुबई अपनी ऊंची-ऊंची इमारतों की वजह से जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, 1991 में सिर्फ यहां पर एक ही ऊंची इमारत थी, लेकिन उसके बाद सिर्फ 20 से 25 साल में यहां 400 से ज्यादा आसमान छूती हुई इमारतें बना दी गई। तीसरे नंबर पर है यहां का एक अजीब नियम। यह नियम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दुबई में कहा जाता है, अगर आप कुछ खोते हैं तो कुछ पाते भी। कहने का मतलब यह है, यहां की सरकार अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके रिश्तेदारों को उसके वजन के हर एक किलो के बराबर 2 ग्राम सोना देती है। जी हां, आपने सही सुना, हर एक किलो के बराबर 2 ग्राम सोना दिया जाता है। चौथे नंबर पर है दुबई की अनोखी एटीएम मशीन्स। दोस्तों, शायद आपने कभी नहीं सुना होगा कि एटीएम मशीन भी कभी सोने की होती है क्या। तो हां, ऐसी सोने की एटीएम मशीन दुबई में आज भी मौजूद है जिसमें से सोने के बिस्किट और सिक्के निकलते हैं जिनका प्रयोग आप कैश के रूप में कर सकते हैं। और पांचवें नंबर पर बात करने वाले हैं पिज्जा ऑर्डर के बारे में। दुबई में अगर आपका मन पिज्जा खाने का है तो आपको 30 मिनट तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने दरवाजे पर लगे फ्रिज मैग्नेट को दबाते ही 2 मिनट के अंदर अंदर पिज्जा आपके हाथों में होगा। तो दोस्तों, ये थी दुबई की 5 बहुत ही रहस्यमयी बातें जो हमने आपको बताई। और भी बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आप ऐसे देश में रहना चाहते हैं या आप इन बातों के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की रहस्यमयी और छुपी हुई बातें हम आपके लिए लाते हैं।